Assalamualaikum, कैसे हैं आप सब? मैं जुलेखा अरफात, जुलेखा किचन से। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह के करम में आप लोगों की दुआ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ दो मिनट के अंदर, हाँ सिर्फ दो मिनट के अंदर हम रेड चिली चटनी बना रहे हैं, लाल मिर्ची की चटनी जिसे कहते हैं। आप किसी भी उसके साथ खा सकते हैं, भजिए पकौड़े जो बोलो आप, किसी भी तलन के साथ उसे सर्व कर सकते हैं। इतनी क्विक है ना, बड़ा मजा आएगा आपको खा के भी और बना के भी, क्योंकि वो दो मिनट में तो बन जाएगी। एंड मोमेंट में कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे पास कुछ चटनी नहीं रहती, क्विकली एक दो मिनट में ये बना लीजिए और इन्जॉय कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी, साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश आज की। चलिए, एक प्याले के अंदर 2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालिए। जी हाँ, सिर्फ कश्मीरी ही डालिएगा, बहुत नहीं तो स्पाइसी हो जाएगा। इसमें डाल दीजिए 1/4 चम्मच शक्कर, 1/4 चम्मच या फिर स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए, 1/4 चम्मच भुना और पिसा हुआ जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच कूटा हुआ लहसुन 1/4 चम्मच और 1/4 चम्मच इमली का पल्प, गूदा जो हम कहते हैं ना। कुछ देर के लिए इमली को थोड़े से पानी में भिगा कर रख दो, कुछ देर बाद अच्छे से निचोड़ लो और वो जो पल्प मिले वो इस्तेमाल कीजिएगा इसमें। यहाँ पर मैं पानी डाल रही हूँ 3 टेबलस्पून और इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब आपको गाढ़ी कितनी चाहिए आप अपने हिसाब से देख लीजिए, अगर आपको इतनी वो चाहिए थिक तो रहने दीजिए, या फिर मेरी तरह मैं क्या कर रही हूँ एक्स्ट्रा और पानी डाल रही हूँ, तो जितनी मुझे पतली चाहिए उतनी। टेस्ट कर लीजिए, अगर कुछ कम लगे तो एडजस्ट कर लीजिए। मैं नमक डाल रही हूँ, मुझे नमक कम लग रहा था और खटास थोड़ा मुझे कम लग रहा है, तो मैं 1/4 चम्मच इमली का जो पल्प है गाढ़ा वाला वो और डाल रही हूँ और मिक्स कर लीजिए। मुझे अभी भी थोड़ी सी गाढ़ी और कम करनी है, मतलब पतली करनी है, तो यहाँ 2 टेबलस्पून मैं और डाल रही हूँ। टोटल 8 टेबलस्पून पानी डाला है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। सबसे पहले आप गाढ़ी कितनी चाहिए वो देख लीजिए, पानी डालकर मिक्स कर लीजिए, उसके बाद एडजस्ट कीजिए। नमक कम लगे तो नमक डालिए, अगर स्पाइस ज़्यादा लग रही हो तो शक्कर डाल के एडजस्ट कर लीजिए, और अगर आपको खटास कम लगे तो खटास डाल दीजिए। चलिए अब मैं कांच की शीशी में भर लेती हूँ इसे, और ये हो गई रेडी सर्व होने के लिए। अच्छा, अगर बच जाती है तो फ्रिज में रख दीजिए, आप 1 हफ्ते तक रख के खा सकते हैं। जब चाहें फ्रिज में से निकालें 10-15 मिनट पहले रूम टेम्परेचर पे आए तो फिर सर्व कीजिएगा। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो, है ना, 2 मिनट में बन गई ना, तो जरूर बनाइएगा, मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। और बस हाँ, फिर से हाजिर होंगे एक नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ या फिर ब्लॉग के साथ, और हाँ लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इसके लिए फॉरवर्ड जरूर कीजिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।